हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेकिशास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जिमीकंद की सब्जी, जिसे कि सूरन भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सब्जी जिमीकंद की। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो जिमीकंद लिया है। ये इस तरह से बाज़ार में मिलता है, जितना आप चाहिए उतना कटवा के आप इसे ला सकते हैं। ये बड़े पीस में होता है। यहाँ मैंने आधा किलो लिया है। इसे हम ऊपर से छील कर काट लेंगे। इसमें ऊपर बहुत गंदगी और मिट्टी होती है, इसे अच्छी तरह से छीलना पड़ता है। इस तरह हम इसे छोटे छोटे पीसों में काट कर और इसकी ये जो साइड में गंदगी है, मिट्टी है, ये सब हटा देंगे। और इसे एक बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे काटने के बाद। और उसके बाद इसे ड्राई करके फिर इसे हम छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। यहाँ इसे मैंने बड़े बड़े पीसों में काट लिया है और इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि ये गीला ना रहे। यहाँ इसके अब हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे। जिमीकंद को हम छोटे छोटे पीसों में काट कर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसे बारीक कूट कर फिर इसे बनाएंगे। उससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। कई लोगों को जिमीकंद का पीस पसंद नहीं होते, उनके लिए भी ये तरीका बहुत बढ़िया रहता है और इससे ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। यहाँ मैं इसे रफली चॉप कर रही हूँ। इसे चॉप करने के बाद में इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक आलू भी ले लिया है छीलकर। इसे भी हम लंबे लंबे पीसों में काट लेंगे और जिमीकंद के संग संग इसे भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। इसमें हम अपने जिमीकंद को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारा जिमीकंद इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। जितना हमारा एक बार में आ जाता है उतना हम इसमें डाल लेते हैं। जिमीकंद को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। ये फ्राई होने के साथ साथ इसमें पक भी जाता है। जिमीकंद को हम चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसे हिलाते रहेंगे जब तक फ्राई होगा। ये देखिए, इस तरह से ये फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें अपने सारा जिमीकंद हमें फ्राई करना है। हम इसमें अपना सेकंड बैच भी फ्राई होने के लिए डाल देते हैं और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और जो आलू काट कर हमने रखे थे वो भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। जिमीकंद को ठंडा होने के बाद में हम इसे मिक्सी में डालकर बिल्कुल पल्स मोड पर इसे चला लेंगे और इसे मोटा मोटा पीस लेंगे। इसे आप कूट भी सकते हैं पीसने की जगह। मिक्सी में इसे बहुत बारीक नहीं करना, हमें बिल्कुल दरदरा रखना है इसे। इसमें कुछ पीसेस भी रहने चाहिए और मोटा मोटा रहना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमें पीसना है। इसमें आपको थोड़े थोड़े पीसेस भी दिख रहे होंगे। इसे बहुत बारीक नहीं करना, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करना है इसे। चाहें तो आप इसे इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। कढ़ाई में से हमने यहाँ पर ऑयल को कम कर दिया है और इसी में अब हम अपनी सब्जी को बनाएंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ यहाँ डाल रही हूँ मैं चौथाई चम्मच ज़ीरा। यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने बारीक कर लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसमें प्याज का हमारा यहाँ पर कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसमें अब हम डाल लेंगे आधी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम प्याज के संग हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी प्याज के संग हम भून लेते हैं। प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें। अदरक और लहसुन भी हमारा अच्छे से भून गया है।
इस वक्त हम अपने मसाले डाल लेंगे इसमें। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को डालकर हम इसमें अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट मसाले को भूनने के बाद में यहाँ मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी है, इसे इसमें मिला देते हैं और इसे भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। टमाटर भी हमारा थोड़ा बहुत भून चुका है, इसमें अब हम डाल लेते हैं नमक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। टमाटर हमारा काफ़ी कुछ भून चुका है लेकिन इसे हमें और थोड़ा सा भूनना है। मसाला हमें जब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे या इसमें जाल ना पड़ जाए। यहाँ मैंने ऑयल कम डाला है तो आपको ऑयल तो नहीं दिखेगा पर आपको एक जाली सी दिखेगी। मसाला भुनने के बाद में हम यहाँ डालेंगे मटर। यहाँ मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ, इसे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर आप फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे 2 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि मटर अच्छी तरह गल जाए। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मटर अच्छे से गले। इसी के साथ साथ जो हमने यहाँ पर आलू फ्राई करके रखे थे और जिमीकंद को फ्राई करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। जिमीकंद और आलू दोनों हमारे अच्छी तरह गले हुए हैं क्योंकि हमने इसे फ्राई किया था तो ये पक चुके हैं, तो इसे हम संग की संग इसे डाल देंगे। आलू को डाल के थोड़ा सा मसाले में मिला लेते हैं और अपना जिमीकंद भी इसमें मिला लेते हैं हम। जिमीकंद को डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिल पाएँ। जिमीकंद की सब्ज़ी दिवाली पर विशेष तौर पर बनाई जाती है, ख़ास तौर पर काइस परिवारों में इसका बहुत महत्व होता है। ये दिवाली पर विशेष तौर पर बनाई जाती है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। जिमीकंद बेसन की तरह पानी पीता है, इसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। जिस तरह से बेसन पानी डालो और वो पी जाता है उसी तरह जिमीकंद भी पानी पीता है। जितना आप इसे लिक्विड चाहते हैं उससे ज़्यादा इसमें पानी डालें क्योंकि थोड़ी देर बाद में ये ड्राई हो जाता है। यहाँ मैंने अच्छा खासा पानी डाला है, ये थोड़ी देर में सूख जाएगा। इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। हमारी सारी सब्जियाँ गली भी हैं, बस थोड़ा मसाला और सब्जी आपस में मिल जाएँ, बस 2 मिनट के लिए ही कवर करना है इसे। ये देखिए सब्जी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी पानी पी लिया इसने। ये देखिए सब्जी बनकर हमारी तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं अगर आप लिक्विड सब्जी पसंद करते हैं। मैं यहाँ इसे ऐसे ही रखूँगी, मुझे इसी तरह की सब्ज़ी पसंद है। सब्जी बनने के बाद अगर आपको सब्ज़ी गाढ़ी लगती है तो गर्म पानी करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गर्म मसाला और कुछ कटा हुआ हरा धनिया। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और इस सब्ज़ी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये आपको बहुत बढ़िया लगेगी। सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरे वीडियोस और रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर पाऊँ।